पन्ना जिले के शाहनगर उत्कृष्ट विद्यालय में आज से परीक्षा शुरू हो गई है। सरकार के निर्देश अनुसार परीक्षा तो चालू करवा दी है। बच्चों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? जैसे ही परीक्षा चालू हो गई है और देखा जा रहा है कि डॉक्टर स्कैनिंग भी कर रहे हैं और लगभग सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है वहां सरकार निर्देश अनुसार परीक्षाएं भी चालू हो गई है। शाहनगर पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। जो अपने टेम्परेचर में जैसे कोई बच्चे अपन ज़्यादा हाई पाए जा रहे हैं तो उनके लिए अपन ने जो है रिजर्व कक्ष की व्यवस्था करी। क्या अभी तक सुबह से ये प्रक्रिया चल रही, कुछ ऐसे मिले हैं छात्र हाई टेम्परेचर? अभी तक तो कुछ छात्राओं का स्कैनिंग की गई है, हाई टेम्परेचर पर क्या व्यवस्था है? जी सर, लगभग 200 बच्चों का अपन ने टेम्परेचर लिया है और सभी स्वस्थ रूप से पाए गए हैं। यदि हाई टेम्परेचर पाए जाते तो क्या स्वास्थ्य विभाग से व्यवस्था है? सर, उनको अलग किया जाएगा, उन बच्चों से अलग रखा जाएगा, उनको अलग एग्जाम बैठा। अभी तक ऐसे कुछ मिले क्या? नहीं, अभी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सूरज प्रताप सिंह मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।